ये है सहा। व्हाट डू यू वांट टू, ऑप्शन फॉर सहा, आपको सहा चाहिए कि नहीं पूछता है। हाँ मुझे सहा, सहा है क्या ये सब। सहा आपको लोन प्रोवाइड करती है कोई ऑर्डर के अगेंस्ट में। यदि जेम पे कोई ऑर्डर मिला है आपको, मान लो जेम पे कोई आपको ऑर्डर मिला है, आपको एक जेम पे 50 लाख का ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिलने के बाद बोलो, ऑर्डर मिल गया, अभी आपके पास 50 लाख है नहीं, ऑर्डर तो आपको मिल गया पर आपके पास 50 लाख नहीं, क्योंकि बायर को आपको देना पड़ेगा मटेरियल और मार्केट में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आपको 50 लाख की जरूरत पड़ेगी। मतलब एटलीस्ट 50 लाख की नहीं तो 40 लाख की तो जरूरत पड़ेगी। आपका प्रॉफिट निकाल देंगे तो उतना तो आपको पैसा लगेगा, क्योंकि बायर आपको पेमेंट कब देगा, 40, आपको ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद 45 डेज के अंदर देगा, तो उतने दिन का आपको क्रेडिट भी चाहिए। आप हर जगह से जाते हो, लोन आपको मिल ले रहा है, तो आपको पैसा कहाँ से। तो ऐसे कंडीशन में आपका ऑर्डर छूट जाएगा, इस टाइम पे आपको जेम शाह आपकी हेल्प करेगा। जेम शाह कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जेम शाह से लोन ले सकते। ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक जेम शाह का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जेम शाह का एक ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसा दिखता है, क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके से जेम शाह बोल के मिलेगा, ये आपको एक ऐप डाउनलोड करना। जब भी कोई भी आपका यहाँ पे RGST और पेन बेस्ड हो रजिस्ट्रेशन होगा, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, तो आपको जेम पे जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो आपको जेम साहब पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपका अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह देके, उसके बाद आप यहाँ पे ये पूरा आपका डिटेल्स, आपको सब कुछ डिटेल्स डालना है, KYC वगैरह सब कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है आपका। मतलब जो प्रोसेस है लोन का जनरली, वो आपको प्रोसेस को पहले फॉलो करना है। जैसे प्रोसेस फॉलो कर देंगे, उसके बाद जेम का ऑर्डर, जो आपको यहाँ ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे, ऑर्डर्स आपको यहाँ पे, जो भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे यहाँ पे, ये ऑर्डर्स मिला है। अब इसके अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए, 3,38,000 का मुझे मिला है, मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं इसके अगेंस्ट में लोन लेना चाहता हूँ। जैसे ये ऑर्डर्स मिला है, तो देखो ये 1.5 लाख का ऑर्डर मिला है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट में आपको लोन। फिर आपको ऑटोमेटिकली इसके बाद ऐसा बैंक आ जाएगा, कौन सा बैंक कितना पैसा देगी आपको और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। आप जिसका करेंगे आपका उतना पैसा वो डिडक्ट कर लेगा, जो उनका पेमेंट है मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पैसा वो काट के वो आपको बाकी का पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये जेम साहब है। जनरली इसको अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए 2 दिन से 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, बहुत हो गया 3 दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो 3 दिन के अंदर आपका आपको लोन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा। ये आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर है जहां से आप लोन ले सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट। पर याद रखो, पहला ऑर्डर पे लोन नहीं मिलता, दूसरे ऑर्डर से लोन मिलना चालू। हाँ कुमार सर, ये कह रहा था मैं, जैसे मेरे पास एक बार में 10 ऑर्डर गिरा, उसमें से एक भी ऑर्डर साहब पे अपडेट नहीं आ रहा है, तो ही नहीं हो रहा वो ऑर्डर के डिटेल्स कुछ भी नहीं हो रहा। आपने एक ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवरी वगैरह कर दिया है क्या, पूरा पेमेंट का पूरा प्रोसीजर हो गया एक साथ? वो ये पहला कंपनी था जो रजिस्टर था, एक साथ 10 ऑर्डर गिरे और 10 बराबर है, तो आप जब तक एक ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखेगा। ओके, तो अब अगर पेमेंट, अगर नेक्स्ट ऑर्डर रहता है फिर मेरे को शो होगा, फिर आपको दिखना चाहिए। अच्छा, और ये जो इसमें 3% आपका दिख रहा था, ये 3% मंथली रहता है कि एनुअल रहता है? मंथली रहता है, मंथली रहता है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, इट्स सहा हेल्प। हाँ, इट्स हाँ, सहा आपको हेल्प करता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। मतलब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और ऑर्डर छोड़ना नहीं है, तो आप उनके साथ जाओ, नहीं तो जनरली कोई मतलब नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैंक आपसे मतलब एक ऑर्डर के बेस पे आपको लोन दे रही है, उसके वजह से वो रेट ऑफ रिस्क ज्यादा ले रही है, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा ले रही है। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट्स जेम शाह के रिगार्डिंग? कुमार सर आपका क्लियर हो गया ना?
एक चीज और बोलना, जैसे इसमें मान लीजिए कि अगर 20 लाख या 10 लाख या 30 लाख कितने का भी ऑर्डर अगर है ले, उसमें कोई सिक्योरिटी भी डालना पड़ेगा? नहीं, कोई आपका सिक्योरिटी वही वर्क ऑर्डर ही आपका। अच्छा, वही सिक्योरिटी हो जाएगा। श्वेता मैडम सर, वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट भी बाहर आपको बैंक लोन दे सकती है? हाँ 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 दे सकती बैंक बाहर। हाँ हाँ, गवर्नमेंट का यदि, मतलब गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी यदि रिपोर्टेड कंपनी हो, एएमसी वगैरह कंपनी, तो आप वर्क ऑर्डर ले जाके बैंक से भी लोन ले सकते हैं। मिल सकता, हम प्राइवेट भी ट्राई कर सकते हैं बजाय सहायक के यूज करके। हाँ हाँ हाँ, या बहुत सारी कंपनी भी ऐसी है जो लोग ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट लोन, प्राइवेट लोन जो प्रोवाइड करती है। अहमद सर, जो जेम साहे के अगेंस्ट में लोन मिलता है ना सर, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें कितना लोन मिल सकता है एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? वो आपके प्रोफाइल, आपके अपडेट, आपके रिपोर्टेशन, आपके बैंक के रिलेशन वगैरह सब कुछ आपका, जैसे आप कहीं से लोन लेते हो उस टाइम पे जो ऐसा वेरीफाई होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको वेरीफाई करते हो बता। एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ मैक्सिमम 90% ऑफ इंटरेस्ट सर ऑफ 5 लाख? सब कुछ वहीं पर दिखा देगा। अच्छा, वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा सर? सब कुछ। ओके ओके, पर मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोन नहीं, मैक्सिमम नहीं, कम मिल सकता है, 40% हो सकता है, 50 हो सकता है। अच्छा, इट मे बी ओनली 40-30 ना? हाँ, कुछ भी हो। ओके, मगर ऑन फर्स्ट ऑर्डर को नहीं तो सेकंड ऑर्डर को मिलता है? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद सेकंड ऑर्डर से लोन। ठीक है ठीक है, उसमें कुछ मैक्सिमम मतलब होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट कितना? फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख 4 लाख कुछ नहीं है, कितने का भी आपको? ओके ओके, जितना भी होगा, 2 लाख व्हाटएवर जो भी होगा। ठीक है सर, ठीक है। हां श्वेता मैडम, इसमें बैंक मैंडेटेड, मतलब बैंक ऑटोमेटिक है इसमें या हम चूज कर सकते हैं अलग अलग? नहीं, आप सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा अलग अलग, देखो दिखा अलग अलग बैंक ऐसा अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट आप ये ऐसे 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 बैंक देखो दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे स्टेट बैंक दिखा रहा है, यहाँ नीचे IDFC बैंक दिखा रहा है, ऐसे मल्टीपल बैंक आपको कितना लोन रिलीज कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है वो आपको सब कुछ बता देगा। ये पेमेंट भी यहीं पर ही होगा, इसी पे पेमेंट होगा इसका कि हम अपनी ब्रांच में जाते हैं? जनरली 45 डेज का जो इंटरेस्ट है उतना कट करके आपको पैसा देते हैं। और अच्छा, ओके ओके, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है, ओके सर, क्लियर है। हाँ संगीता मैडम, संगीता मैडम। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर, ऐसा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और बैंक का भी मुझे सहायता आए है, उसमें दिख रहा है ICICI बैंक का, तो अभी यही है कि अगर वो लोन भी कल को रिलीज करते हैं तो कंट्रीब्यूशन ही करेंगे ना, या जस्ट ऑर्डर मिला और वो लोग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऑर्डर मिलने के बाद आप जैसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना ऑर्डर को, उसके बाद उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। फिर जब पैसे वो लोग ऑटोमेटिक निकाल देंगे, विड्रॉ करेंगे, तो भी विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन? मतलब नहीं समझा, आपसे पहला तो 45 डेज का इंटरेस्ट वो खुद ले लेते, पहले ले लेते पहले। और अगर जब पेमेंट आता है तो वो ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है? नहीं ना मैडम, डिडक्शन क्यों होगा? आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट पहले ही ले रहा है वो। हाँ, तो फिर पेमेंट हमको करना है? अगर मुझे समझो मैंने 4 लाख का, मुझे 5 लाख का ऑर्डर मिला और मैंने लोन लिया, इंटरेस्ट भी ऑलरेडी डिडक्ट, बराबर, अभी मुझे कस्टमर से 5 लाख मिले हैं, तो अभी मुझे इंटरेस्ट जो भी कट हुआ है उसका जो बैलेंस पेमेंट है, बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको उनको देना है, वो मुझे करना है, खुद करना है ना, तो फिर एस्क्रो का मतलब क्या होता है? देखो मैडम, डिपेंड, यदि जेम जैसे बोला PFMS उसके थ्रू से पेमेंट करती है तो डिपेंड है कि यदि ऑनलाइन पूरा ट्रांजेक्शन है तो वो कट करके आपके अकाउंट में आएगा, पर यदि ऑफलाइन पेमेंट है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन सहायक है, मुझे लगता है एस्क्रो मतलब वो लोग शायद अगर ऑनलाइन पेमेंट होता है तो डायरेक्टली डिडक्ट करके, डायरेक्टली डिडक्ट करके फिर आपको पेमेंट बाकी का मिलेगा, बाकी का मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट जो बनेगा ना ऑर्डर का, वो आपका भी नाम और साथ में उस मतलब बैंक का नाम, दोनों का साथ में रहेगा। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी में आप लोन करते हो तो कैसा रहता है, गाड़ी में RC बुक में दोनों का नाम रहता है, वैसे ही सेम यहाँ पर है।
अच्छा, और एक मेरा क्वेरी था कि अभी क्या हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा मोबाइल नंबर चेंज किया है, आधार में चेंज हुआ है मेरा, अभी मुझे सब बैंक में भी चेंज करना है और मेरा पैन कार्ड में भी चेंज करना है, वो मैं अभी ये वीक में कर दूंगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना जेम में या कोई बात, बाद में आप यहाँ पे जेम पे भी मोबाइल नंबर चेंज सब? कर सकते हो। हाँ, सब अपडेट कर सकते हो ना, तो हाँ इसमें में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे कोई मैं प्रॉब्लम कोशिश करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अमृत सर, अमृत पाल कौर। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, जो ये आपने आईसीआईसी बैंक का ये ओपन करा हुआ है लोन का, तो इसमें ये 13% एनुअली है? सर यहाँ पे, हाँ वो जनरली यहाँ पे मंथली दिखाता है, ये ऐप आप में आपको एनुअली दिखा रहा है, नहीं तो आपको 90 डेज के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है, मंथली इंटरेस्ट दिखाता है, मंथली जनरली 2% से लेके 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये 3 month क्वार्टरली क्वार्टरली 13% दिखा रहा है। नहीं, वो नहीं, वो ऐसे ऐप में दिखा रहा है, ओरिजिनल में वो आपको सिर्फ ऐसा रिकॉर्डेड दिखा रहा है, ओरिजिनल में जाएंगे तो आपको साफ सब सब कुछ क्लियर लिखा रहे। ठीक है, थैंक यू। किशोर सर, हेलो आदित्य जी, अगर किसी भी कारण से अगर हमें अपना बिजनेस का लोकेशन चेंज करना पड़े, तो हाँ वो एड्रेस हम लोग जेम में चेंज कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते, नया एड्रेस भी आप अपडेट कर सकते हो, पुराना एड्रेस भी चेंज कर सकते, पर उसमें उसके लिए आपको जीएसटी में एड्रेस चेंज होगा तब। अच्छा, जीएसटी पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, थैंक अमर सर, सर। फॉर एग्जाम्पल हमें लोन मिल गया, ठीक है, इसका ये ड्यूरेशन कब होगा, वो हम कब तक हमें लोन मिलेगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और कितने दिन तक हमें उसको वापस करना है, सो दैट कि कहीं पे कई जगह पे हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रोडक्ट गवर्नमेंट को हमने ऑर्डर लिया 5 लाख का, 5 लाख के अगेंस्ट अगर हमें लोन मिल गया 2 लाख, ठीक है सर, इसका लिमिट मतलब टाइम कितना है कि हमें सर कब तक आप लोन इसको मिलेगा? छोड़ दीजिए उसको, आप जब बैंक से लोन किसी चीज के लिए लेते हो, कोई भी चीज के लिए, जब आप बैंक से लोन, जी कोई भी चीज के लिए, तो आप उसको कैसे, क्या कैसे आपको बैंक लोन देते, आपने आज तक लोन लिया है किसी का बैंक से, कोई नहीं भी सर, चीज? अभी तक कोई लोन नहीं लिया सर तो हमने। बैंक में जाके आप पूछेंगे तो आपको पता चले, जो लोन का प्रोसीजर है वही लोन का प्रोसीजर यहाँ पर। मगर एक बात है ना सर, वहां पे हमें हार्ड कॉपी फिजिकली जाना पड़ता है, यहाँ पे तो ऑनलाइन यहाँ होता है पे ना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आज लोन की फैसिलिटी हर बैंक ऑनलाइन कर दिया, ये एक लोन की फैसिलिटी है, बाकी कुछ नहीं, जैसे लोन में प्रोसीजर होता है वैसे ही यहाँ पर। क्योंकि सर कहीं पे हमारा अगर ऑर्डर डेली प्रोडक्ट हमें जो भी ऑर्डर हमने प्लेस किया वो हमें ऑर्डर डिपार्टमेंट को डालना है, इन द मीन टाइम अगर कहीं पे हमारे शॉर्टेज ऑफ ये फाइनेंशियल होगा तो इन द मीन टाइम हमें कहीं पे लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कब तक वो लोन मिलेगा सो दैट वी कैन परचेज यार आइटम। मैंने वो बोला कि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, अच्छा, 2 से 3 दिन तक, वही मैं बोल रहा हूँ सर। श्वेता मैडम, श्वेता मैडम, सर सॉरी सर, ये आपने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं होता, राइट? हाँ और सर, मतलब उसी साथ में हम साइमल्टेनियसली कोई बड़ा ऑर्डर आ रहा है, तो फर्स्ट वाले ऑर्डर के लिए हमको मिल सकता है क्या इसमें? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड ऑर्डर को से मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कितने भी अमाउंट का हो सकता है? कितने भी। ठीक। हाँ कुमार सर, और जिसके अकाउंट में अगर सहाय अपडेट नहीं हो, उस केस में क्या करेंगे? जिनके अकाउंट में साहब पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको मिल हो जाता ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं आ रहा सहाय का तो? यहाँ पे बोल रहे हो क्या, यहाँ पे क्या? अच्छा नहीं, ओके, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बराबर, यहाँ पे नहीं आता, हाँ जी, फिर आपको जेम को बताना पड़ेगा, ये जेम का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके जेम को भेजना, हाँ वो वो अपडेट कर देते हैं।